हेलो एक्टर्स, वेलकम टू ऑल इंडिया ऑडिशन अपडेट्स। यहाँ पे आपको डेली बाय डेली ऑडिशंस मिलते हैं, वो चाहे यूट्यूब्स के हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के हो, वो चाहे टीवी सीरियल्स के हो, एडवर्टाइजमेंट के हो, ईच एंड एवरीथिंग ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर्स के अलग अलग कास्टिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है, वो भी बहुत सारे और वो भी जेन्युइन। ओके सो ध्यान से पढ़कर अपना ऑडिशन भेजिएगा। ओके जितने भी एक्टर्स हैं उन्हीं लोगों को ये चैनल शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इसमें ऑडिशंस देने चाहते हैं, सो देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको नहीं पता होता है कि ऑडिशंस दे तो दे कैसे, किस कैसे इस इंडस्ट्री में आए। ओके ऑनलाइन ऑडिशन किस तरह से दिए जाते हैं, तो सिर्फ ओनली एक्टर्स एंड मॉडल्स जितने भी लोग हैं, आपके दोस्त जान पहचान में जितने लोग हैं, तो उनको ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके इफ़ दे आर एन एक्टर। ओके सो यस, यहाँ पे आपको डेली बाय डेली ऑडिशंस मिलते हैं, जैसे आप सभी लोगों को पता है डेली 40 to 50 ऑडिशन अपडेट्स मिल जाते हैं। ऐसे नहीं है कि 5 to 6, 10, 12, डेली 40 to 50 ऑडिशंस मिले जाते हैं। मिक्स ऑडिशन होते हैं जहाँ पे चाइल्ड आर्टिस्ट, टीनेजर्स तो पूरा भरा पड़ा हुआ होता है, टीनेजर्स के जितने भी लोग हैं, अगर आप 20 to 30 के बीच के एज ग्रुप वाले हो तो आप या इस सही चैनल पर हो, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट सभी के सभी, ऑलमोस्ट सभी के सभी उन्हीं के एज ग्रुप्स के होते हैं। उसके बाद चाइल्ड आर्टिस्ट के भी होते हैं, आपको चाइल्ड आर्टिस्ट अगर हो आप, अगर 10 से 17 ईयर्स के इसमें हो आप, देखो यहाँ पे मोटिवेशनल किड 8 to 10 ईयर है, 10 to 12 ईयर है, तो यहाँ पे हो गया, तो आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 चाइल्ड आर्टिस्ट जितने भी है, 8 से 15 साल की उम्र में जितने भी लोग हैं, तो 10 to 5 अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बट रही बात 30 के ऊपर भी मिल जाते हैं, अराउंड 10 to 15 अपडेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके सो दैट इज़ अ थिंग गाइज, बट 20 to 30 के एज ग्रुप के अगर आप हो तो आप सही चैनल पर हो, यहाँ पे पूरी की पूरी अपडेट्स ऑलमोस्ट आपकी ही होती है। तो आपको क्या करना है, आपको बस डेली इस चैनल पर आना है। ओके एंड अच्छी तरह से अपडेट्स उठाना है। ओके आपके जोन के ऊपर, लाइक अगर आपकी जोन अगर गुस्सा हो या कॉमेडी हो, एनीथिंग वॉट एवर इट इज़, आपको उस जोन के ऊपर आपको अगर लगता है कि ये रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट में मैं आपकी हमारी ऑडिशन अच्छी तरह से दे सकता हूँ, तो बस राइट पिकअप करना है आपको ऑडिशन की रिक्वायरमेंट और आपको ऑडिशन भेजनी है। ओके वो भी डे बाय डे। अगर आपको ऑडिशन की वीडियो, ऑडिशन की टाइमिंग अगर आपको सुबह चाहिए, लाइक अराउंड 8 o'clock, 7 o'clock, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर शाम को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, जैसे आपकी टाइम जोन के ऊपर हम आपको वीडियो उस टाइम में पहुंचा सके, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ओके सो यस, प्रोफाइल किस तरह से बनानी है, क्या बनानी है, ओके किस तरह से रीड करनी है, प्लेलिस्ट में है, चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट के ऑप्शन है, प्लेलिस्ट में जाओ, 3 वीडियोज़ है, वो 3 वीडियोज़ ज़रूर देखना। ओके जो भी नए जुड़े हुए हैं चैनल को। ओके तो रिक्वायरमेंट फॉर अ टीवी शो, इट्स कंटिन्यूटी ट्रैक, हर बार मैं लाइक रीड नहीं करता, बट कभी कभी अगर रीड कर देता हूँ रिक्वायरमेंट, आपको बस स्क्रॉल थोड़ा पॉज करके आपको रिक्वायरमेंट उठानी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत होती है। 40 के 40 अगर रिक्वायरमेंट मैं रीड करने लगूँ, ओके 40 के 40 रिक्वायरमेंट अगर मैंने रीड करने लगूँ, तो ये वीडियो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की हो जाएगी। ओके एक एक रिक्वायरमेंट को 1 मिनट भी अगर मैं दूँ, तो सो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, रीड करके नहीं दिखाना है, रीड तो आप कर सकते हो। ओके बट इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिशन की रिक्वायरमेंट आपकी तरफ, आपके पास पहुँचने चाहिए। सो वही है हमारा मोटो, मेन फोकस उसी में है कि रिक्वायरमेंट आपके पास पहुँचनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। रीड करना, ये करना तो आप कर सकते हो, वहाँ पर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बट बीच बीच में मैं रिक्वायरमेंट रीड करता हूँ अगर कुछ इम्पॉर्टेंट हो तो। ओके अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके एनीथिंग रिगार्डिंग एक्टिंग, कैसे चल रहा है, ओके कुछ डाउट हो, आर्टिस्ट कार्ड के वजह से, रजिस्ट्रेशन फीस, फ्रॉड लोगों के वजह से, सब कुछ, एनीथिंग रिगार्डिंग मन में एनीथिंग, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके सो बस यही है, ईच एंड एवरीथिंग, डीमोटिवेट मत होना। ओके डीमोटिवेट मत होना, आई नो कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होते, बट होता है कभी कभी, आप अगर डेली ऑडिशंस भेजते हो, आप इंतज़ार करते हो कि कब हमारा शॉर्टलिस्टिंग का मैसेज आए, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली आ जाएगा। ओके बस डीमोटिवेट हो मत हो जाना, आपको राइट प्रॉपर ऑडिशन भेजनी है। जैसे किस तरह से भेजें, अगेन प्लेलिस्ट में जाओ, हाउ टू रीड एंड रिक्वायरमेंट में जाओ, और वो वीडियो ज़रूर देखना।
ओके जो 7 अगस्त, जैसे मैंने बोला 7 अगस्त इंडस्ट्री में बहुत सारा काम हो जाता है अगस्त में, सो अगस्त की रिक्वायरमेंट आपको लाइक मिस नहीं करनी है, अगस्त और अगर दिसंबर नवंबर के इसमें तो आपको मिस नहीं करनी है, तो आपको पता है ओके। सो लुकिंग फॉर अ सरदार जी मेल मॉडल 20 to 26 ईयर ओनली मुंबई बेस नीडेड ओके। सो मुंबई वाले सरदार जी अगर है, अगर मुंबई आप जा सकते हो तो भी आप अपना ऑडिशन भेजो ओके। फॉर एन अपकमिंग न्यू शो वेल नोन प्रोडक्शन वी आर लुकिंग फॉर एन मेल आर्टिस्ट ओके। मेल आर्टिस्ट 20 to 26, जैसे मैंने बोला कि अगर आप टीनेजर्स हो 20 to 30 के बीच में अगर आप हो, सॉरी टीनेजर्स 20 to 30 नहीं हुआ, 20 to 25 के में होता, बट अगर एज ग्रुप आपका 20 to 30 के बीच में हो तो आप सही चैनल पर हो, आपको बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आपको बस यही करना है कि फटाफट से आपको ऑडिशन उठाना है और अपना ऑडिशन भेजना है, सो देरी नहीं करनी है आपको ओके। क्योंकि डेली बाय डेली हमारे चैनल पर आपको डेली बाय डेली फ्रेश ऑडिशन अपडेट्स मिल जाते हैं, तो आज का मिस हुआ तो अगले 40 आ जाएंगे, कल का मिस होगा तो परसों का अलग ये आ जाएगा। सो आपको क्या करना है, अगर आप नए चैनल में जुड़े हो, अगर कुछ मिस हुआ हो तो आप पिछले एक हफ्ते का जितना भी अपडेट्स हैं वहाँ पे आप अपना ऑडिशन भेज सकते हो ओके। ये मत सोचो कि वन मिनट इस मोबाइल शॉप पर कश्मीर गाय चाहिए गाइज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यस, कश्मीर गाय चाहिए। अगर आप कश्मीरी लुक चाहिए तो आपको पता है कश्मीरी लुक किस तरह से होता है, अगर आप कश्मीरी लुक करके ऑडिशन भेज सकते हो तो वेल एंड गुड है। तो आपको कश्मीरी लुक करके देखो, अप मार्केट है 25 to 35 ईयर के बीच में, अप मार्केट एक्टर फिट पर्सनैलिटी एक्ट, अगर फिट लगना चाहिए ओके अगर आप कश्मीरी लुक जैसे कपड़े अगर पहन सको उस टाइप के, अगर आप एक्टिंग कर सको तो कैसा होता है कि उनको आकर उनको एक आपकी ऑडिशन उनके आँखों में लाइक बस जाएगी ओके। तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस टू गेट सिलेक्टेड ओके यहाँ पे। सो ऐसा है, सो वेर वी यस 20 to 30 के बीच में हो तो टूट पड़ो ओके, बेस्ट ऑडिशन है, आपको मिल जाएगा। एक हफ्ते के जितने भी ऑडिशन अपडेट्स हैं आपको वहाँ पे आपको देना है ओके। ऐसा नहीं है कि कल के ऑडिशन है पुराने हो गए बासी हो गए, नो दैट इज़ नॉट राइट वे टू थिंक ओके। आप ऑडिशन दे सकते हो ओके एक दिन में कभी भी कास्टिंग नहीं होती, ये भी ध्यान रखो, एक भी अपॉर्चुनिटी छूटनी नहीं चाहिए, एक भी रिक्वायरमेंट छूटनी नहीं चाहिए। वीडियो अंत तक देखो ओके, जितने भी रिक्वायरमेंट है लास्ट तक, क्या मालूम एक छोटी सी रिक्वायरमेंट कैन चेंज योर होल लाइफ। तो अगर वीडियो देख रहे हो तो एंड तक देखो, रिक्वायरमेंट एक भी छूटनी नहीं चाहिए, प्लान अप करो और ऑडिशन भेजो ओके। तो ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे ईमेल किया करो आपकी ऑडिशंस ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कहां गलतियां हो रही है, कि सही हो रहा है, किस तरह से आपका ऑडिशंस हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, तो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, ईमेल आईडी है, वहां पे आपको जाना है, आपको अपना ईमेल करना है, आपको जो भी ऑडिशन है आपका तो आपको ईमेल वहां पे कर देना है ओके। सो यस, ध्यान से पढ़ो और अपना ऑडिशन देते जाइएगा, सैटरडे संडे ऑडिशन देते जाइएगा, डेली बाय डेली ऑडिशन देते जाइएगा, रिक्वायरमेंट इंट्रोडक्शन वीडियो सेंड कीजिएगा, प्रॉपर पिक्चर्स सेंड कीजिएगा। एक बात बताता हूँ कि किस तरह से पिक्चर सेंड करनी है, तो अगर इस तरह इसकी अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, इसके अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताना आप प्रॉपर पिक्चर सेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक तो मुझे बताना, तो इसके लिए मैं अलग सी वीडियो बना दूंगा ओके। बस यही है कि इस चैनल पे अगर आप आ रहे हो तो कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, एवरी डाउट शुड बी क्लियर ओके। छोटा मोटा कुछ भी हो तो सब कुछ डाउट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये चैनल में क्या होता है, हमारे चैनल में क्या होता है कि देर आर लॉट ऑफ लाइक OTT प्लेटफॉर्म्स के आपको अपडेट्स आ जाते हैं, मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट के आ जाते हैं, सीरियल्स के आ जाते हैं ओके। यूट्यूब्स एंड है आ जाते कभी कभी थोड़े बहुत, बट इतने नहीं आते हैं, बट यूट्यूब्स के भी हम यहाँ पे जो जो फेस्टिवल्स रहते हैं, नॉर्मल यूट्यूबर्स होते हैं जो शूट करते हैं, तो उनके भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आ जाते हैं, लाइक एवी किसी के भी नहीं, बट अच्छे खासे जो होते उनके रिक्वायरमेंट आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म का आता है, लाइक TV सीरियल्स का आता है, गिने चुने नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मिक्स ऑडिशन आते हैं ऑल ओवर इंडिया के, एक ही स्टेट्स के नहीं आते, तो आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है। अब यहाँ हालांकि ऑनलाइन ऑडिशन चल रहे सब कुछ, तो आप किसी भी स्टेट से आप अपना ऑडिशन भेज सकते हो, अगर शॉर्टलिस्टेड हुए तो आप उनको 1-on-1 कन्वर्सेशन करके क्या किस तरह से आगे की फॉर्मेलिटी क्या है तो आप उनको बता सकते हो, आपको कहीं लोकेशन पे वो बुला रहे हो तो जाओ ओके, अपॉर्चुनिटी छोड़ो मत, लोकेशन पे बुला रहे हो तो जाओ
ओके उसके बाद शूट का एवरीथिंग, खर्चा पानी वो सब कुछ आप प्रोडक्शन आपके ऊपर कर ही देता है ऑटोमेटिकली, ओके बट शॉर्टलिस्टिंग की इसमें अगर आप कहीं से दूर आ रहे हो तो जाओ, ऐसा नहीं है कि मत अपॉर्चुनिटी छोड़ो मत, ओके तो यही बात है। इस चैनल पे आपको मिक्स ऑडिशन मिलते हैं और मिलते रहेंगे, ओके डे बाय डे, ओके सो कल के ऑडिशंस है, 40 ऑडिशंस थे या तो बासी है, छोड़ो मैं कल से शुरू कर देता हूँ, तो डोंट डू दैट। एक हफ्ते के जितने भी ऑडिशन अपडेट्स है यहाँ पे आप अपना ऑडिशन भेज सकते हो, ओके फटाफट से भेजो। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो देखना है। अगर टाइमिंग का कुछ आपको मैच नहीं हो रहा है, टाइमिंग थोड़ा सा लेट आ रहा है हमारा, वीडियो लेट आ रही है 10:30, वो बहुत लेट हो रहा है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा, तो मैं अपनी तरफ से अपने टाइमिंग के हिसाब से मैं वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मेरे जो भी शेड्यूल्ड होता है पूरा डे तो उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग कौन सा है, तो उस टाइमिंग में मैं आपको उस टाइमिंग में ऑडिशन अपडेट अपलोड कर दूंगा, ओके सो यस गाइज दैट इज़ अ थिंग। कुछ भी डाउट हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, एनीथिंग रिगार्डिंग एक्टिंग। चैनल को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितने आपके फ्रेंड्स यार दोस्त हो, जितने भी लोग हो तो उनको शेयर कीजिएगा ज़रूर, ओके दैट इज़ अ थिंग गाइज। ये है आज की सारी ऑडिशन की अपडेट। अगर स्क्रोलिंग अगर फास्ट हो तो प्लीज़ रिजोल्यूशन हाई करके पॉज करके देखना, बट ज़रूर देखना, ओके दैट इज़ अ थिंग गाइज। हैप्पी ऑडिशनिंग, गुड बाय एंड बाय।